इस तेज़ रफ्तार में भागती दुनिया में हमें कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा भा जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जिनको हम पसंद करते हैं उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करते और ना ही उन्हें हम खोना चाहते हैं, जैसे हमारी फैमिली एंड हमारे दोस्त। और जिन्हें हम अपनी फैमिली की तरह मान लेते हैं वो भी हमारा सब कुछ बन जाते हैं, जैसे कि बालवीर का सीज़न वन इतना ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया था कि 2017 में गूगल के सर्च रिजल्ट में नंबर 5 पर आया था। ये हम सबका प्यार ही तो था जिसके चलते बालवीर का सीज़न 2 बालवीर ट्रांस आया था। बालवीर ट्रांस अधूरी स्टोरी के साथ बंद तो हो गया था, लेकिन फिर भी ज़्यादा अरसे तक बंद ना रह सका और बालवीर का सीज़न 3 आया। ये सब हुआ बालवीर के रियल फैन से जो मिले थे बालवीर के सीज़न 1 से। और सीज़न 1 की कुछ ऐसी यादें हम सब के साथ जुड़ गई हैं जिन्हें हम कभी भूलना ही नहीं चाहते, जैसे कि रानी परी, तोबा तोबा और बालवीर सीज़न 1 के कुछ ऐसे और एक्टर्स जिन्हें हम कभी भी भूल नहीं सकते। लेकिन बालवीर का सीज़न 3 स्टार्ट होने के बाद फैंस को हो क्या गया है? फैंस के द्वारा इतना बड़े कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, और वो होते हैं कि हमारे पुराने कैरेक्टर्स गए तो गए कहाँ, इवन कि वो स्टोरी भी गैप कर दी गई है। अगर देखा जाए तो बालवीर का सीज़न 1 किस मकसद पे था? बालवीर का हर एपिसोड हमें कुछ सिखा के जाता था। फैंस कहते हैं हमें समझ नहीं आता कि बालवीर 3 और बालवीर ट्रांस में आखिर दिखाया क्या जा रहा है, बालवीर की स्टोरी अपने रियल मकसद से भटक चुकी है। और यही बड़ी वजह है जिनकी वजह से बालवीर 3 पे इतना कम टीआरपी आ रही थी। लेकिन अब बालवीर 3 के मेकर्स ने ये फैसला किया कि आपकी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करेंगे। तोबा तोबा, बाल परी जैसे कई एक्टर्स वापस आने के साथ साथ अब बालवीर के टाइम स्लॉट को भी चेंज कर दिया जाएगा। अब से आपको बालवीर 3 सिवाय संडे के बाकी वीक के 6 दिन दिखाया जाएगा, और यही तो सब फैंस चाहते थे। दोस्तों, एक शो को मेकर्स किसके लिए बनाते हैं? उनके फैंस के लिए। तो आप सब जैसा भी चाहेंगे वैसा सब होगा, लेकिन हम बड़े अरसे से एक बात बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, वो है रानी परी की। अगर आप रानी परी को पसंद करते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे अगर शो में रानी परी आती है तो शो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी शो को आप रोज़ाना देख के आपको कैसा लगेगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड हम कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, तो उसका वेट ज़रूर से कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।